मार्गस्य नेतारं भेतारं कर्म भूव्रतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वंदे तद्गुणलभे मंगलं भगवान वीरो मंगलं गौतमो गणे मंगलं कुंदकुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। तत्वार्षुत परम मांगलिक ग्रंथ है आचार्य कुंदकुंद के पट्ट शिष्य आचार्य उमा स्वामी द्वारा। यह विक्रम की प्रथम शताब्दी में लिखा गया। सूत्रात्मक इसकी शैली है, संस्कृत इसकी भाषा है, 10 अध्याय विभाजित है, 7 तत्वों का वर्णन है। हम सभी लोग तत्वार्षुत का 6वां अध्याय पढ़ रहे थे जिसमें आश्रय तत्व का अधिकार समझ रहे थे। क्या देखा था अपन ने? ज्ञानवर्णी कर्म के आश्रय के कारण 6 कारण तो अपन ने 10वें सूत्र के माध्यम से पढ़े थे, नेहन्नव, प्रदोष, मास्सर, अंतराय, आसादन और उपघात। ये 6 कारण पढ़े थे। इसके अलावा भी बहुत सारे कारण थे जिनके बारे में हमें जानकारी लेना चाहिए था, जैसे सूत के विरुद्ध बोलना, गुरु के विरुद्ध चलना, उनकी आज्ञा में नहीं रहना, अनेक कारण हो सकते हैं। दिव्य ध्वनि के काल में स्वाध्याय करना, अकाल समय में जो है स्वाध्याय करना, इस प्रकार से ज्ञानवर्णी कर्म के आश्रयों के कारण होते हैं। आइए आज और भी कारणों को देखते हैं कि किस किस प्रकार से और भी जो हैं हमारे लिए ज्ञान में आवर डालने के कारण होते हैं। अपने पक्ष का दुराग्रह और दुराग्रह के कारण यदि किंचित जो मन में आए वो बोलना, अपलाद करना, इससे भी ज्ञानवर्णी कर्म के आश्रय होता है। क्या होता है? अपने पक्ष का दुराग्रह। मेरे मन में ऐसा कुछ पक्ष आ गया या मैंने कुछ बात स्वीकार कर ली। देखो आगम में शास्त्र में सब तरह की बातें लिखी होती हैं, सभी प्रकार की दृष्टियां लगाना पड़ती है तब आगम समझ में आता है। देखिए कोई भी सूत्र पढ़ने के पहले हमें उसमें बहुत सारी बातें लगाना पड़ती हैं। उसको शब्दार्थ से पढ़ो, उसको व्याकरण से पढ़ो, फिर उसको सिद्धांत से पढ़ो, फिर उसको ऐतिहासिक दृष्टि से पढ़ो, फिर उसको व्यवहार से भी पढ़ो, उसको निश्चय से पढ़ो, मतलब नए लगा के भी पढ़ो, फिर न्याय से भी उसको पढ़ो, मतांतर से भी पढ़ो कि अपने मत में क्या कह रहा है, अन के मत में क्या कह रहा है। इस प्रकार से एक ही सूत्र को, एक ही गाथा को कितने तरीके से पढ़ा जाता है तब जाकर के कोई बात स्पष्ट हो पाती है। हमें अच्छा लगा, हमने एक पक्ष लगा और वही देख लिया और उसको देख करके हमने आगे बढ़ गए, बस हमारा पक्ष तो ये हो गया, मजबूत हो गया और हमें तो इसी के अनुसार चलना है और इसी को ही अब बस क्या करना है, प्रभावना करना है। ऐसे कितने लोग हो जाते हैं। इससे क्या होता है, सामने वाला व्यक्ति जो है वो कन्फ्यूजन में हो जाता है कि इनका धर्म आखिर है या क्या है, ये है कि ये है, जिन शासन जिन धर्म है, या नमोस्तु शासन जिन धर्म है, या और कुछ सत्य शासन जिन धर्म है, या अहिंसा शासन जिन धर्म है, कितने शासन हैं इनके। तो कोई सत्य शासन की जय बोल रहा है, कोई नमोस्तु शासन की जय बोल रहा है, कोई जिन शासन की जय बोल रहा है, कोई अहिंसा शासन की जय बोल रहा है, कोई वीर शासन की जय बोल रहा है। भैया ये सब शासन हैं, ये सभी शासन हैं, आगम में सभी शासन आते हैं, लेकिन हमारी प्रभावना सत्य शासन से नहीं है, अहिंसा शासन से नहीं है, किससे है, जिन शासन से है। जितने भी जिन हुए हैं, जिन्होंने इंद्रियों को जीता, जिन्होंने अपने मन को जीता, जिन अपनी वासनाओं को जीता, ऐसे जिन और उनका ही हमारे यहाँ अनादि अनंत काल से क्या है, शासन चला आ रहा है। तो हमें इसको तो लेके चलना है, नहीं हमें तो एक ही अच्छी चीज़ लगी, हमें तो पढ़ने में आया है, ये बात पढ़ने में आई है, हम तो उसी को लेंगे, अब उसी में हम अपने भक्त बनाएंगे, हम उसी में लोगों को मन में डालेंगे, नहीं तुमको यही मानना है, तुमको ऐसे जयकार लगाना है, तुमको यही ऐसा करना है, ये पक्ष, ये दुराग्रह। और इस दुराग्रह और इस हटाग्रता से भी क्या होता है, हमारे अंदर कर्म का बंध बनता है, हमें पता नहीं चलता है, कहीं ना कहीं हमारी कषाय, कहीं ना कहीं हमारा अहंकार, कहीं ना कहीं हमारा मान उसमें बैठ जाता है, जो दूसरी वस्तु को मानने को स्वीकार नहीं। हमने जो कह दिया सो कह दिया, हमने जो बोल दिया सो बोल दिया, वो पत्थर की लकीर हो गई। भैया ऐसा नहीं होता है, जिन शासन स्यादवाद है,
जिन शासन अनेकांतवाद है, शादवाद अनेकांतवाद की दृष्टि से चलो, भैया ये भी सही वो भी सही सब सही, इस प्रकार से चलने पर ही हमारा कल्याण और उद्धार हो सकता है। तो अपने पक्ष का जो दुराग्रह करता है उसके कसाय मान के कारण भी ज्ञानावरणी कर्म का क्या होता है, आश्रय होता है। फिर और भी कारण बताए हैं, क्या कारण बताए हैं, असिद्ध से ज्ञानाधिकम जो सिद्ध नहीं हो रहा है, ऐसे ज्ञान की जानकारी से शास्त्र विक्रय और हिंसा आदि कार्य करना, क्या करना, आप शास्त्र ज्ञान आदि के माध्यम से शास्त्र का विक्रय करो, शास्त्र को बेचना, शास्त्र को विक्रय का केंद्र बनाना, ज्ञान को विक्रय का केंद्र बनाना, बोले इनसे भी ज्ञान का ज्ञानावरणी कर्म का आश्रय होता है। हिंसा आदि कार्य करना, उस ज्ञान के माध्यम से लोगों को हिंसा में लगाना, हिंसा के कार्य में लगाना, नहीं धर्म में ऐसा कहा है कर सकते हो, नहीं इसमें ऐसा कहा है कर सकते हो, इससे भी क्या होता है, आश्रय होता है। और भी लिखा है, धर्म की आमनाएं में रुकावट डालना एवं ज्ञान अध्ययन की कुशलता से धूर्तता करना, छल कपट करना, ठगेबाजी करना, ये सब क्या है, ये भी ज्ञानावरणी कर्म के जो हैं हमारे आश्रय के कारण हैं। और भी शास्त्रों में लिखा है, मैं आपको बताता हूँ, जो मिथ्या मार्गों की प्रशंसा करते हैं, सच्चा मार्ग नहीं है, मिथ्या मार्ग है पर उसको लगा दिया, बोले जाओ गाय को रोटी खिलाओ, जाओ पक्षियों को दाना डाल के आओ, जाओ इनको काली गाय को ये दे के आओ, उसको मूंग खिला के लाओ, इसको ये करके लाओ, उसको तेल डाल के आओ, उसको वो डाल के आओ, ये सब क्या है, मिथ्या मार्ग है। गाय को भोजन कराना मिथ्या नहीं है, वो दया है, वो करुणा है, पक्षियों को भोजन कराना वो करुणा है, करुणा से के माध्यम से दो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तुम उसको धर्म बना दो, ये धर्म बना दो कि ये धर्म है, तुम इसको करोगे तो क्या होगा, तुम्हारे संकट दूर हो जाएंगे, तुम्हारे पाप दूर हो जाएंगे, तुम्हारे अच्छे काम हो जाएंगे, तुम्हारे ग्रह समाप्त हो जाएंगे, तुम्हारा राहु तुमको नहीं सताएगा, तुमको केतु तुमको नहीं सताएगा, भैया ये सब मिथ्या है, ये मिथ्या मार्ग है, ये कोई उपचार नहीं है, अपने कर्म को ठीक करो, ध्यान से, साधना से, त्याग से, तपस्या से, पाप तो तुम करो और तुम्हारे पाप गंगा धो, ऐसा कैसे हो सकता है, गलती तुम करो और दुनिया तुम्हारे पाप धो, ऐसे भगवान तुम्हारे पाप धो, ऐसे थोड़ी होता है, स्वयं करना होता है। ऐसे प्रकार से मिथ्या मार्ग मत चलाओ, मिथ्या रास्ता मत बनाओ, इससे भी ज्ञानावरणी कर्म का क्या होता है, आश्रय होता है। दूसरे के सम्यक ज्ञान की विनय प्रशंसा नहीं करते, उनके प्रचार को रोकने में जिन्हें आनंद आता है, जो दूसरे के ज्ञान अर्जन में बार बार विघ्न डालते हैं, जो किसी का ज्ञान का प्रचार चल रहा हो तो उसमें विघ्न डालना, बार बार पाठशाला खोल दी और एक व्यक्ति है पाठशाला बंद कराने में लगा हुआ है, जैसे तैसे तो बच्चों के लिए पाठशाला खोली, उनको ज्ञान ध्यान मिले, और तीसरा व्यक्ति बन के आ गया, मंत्री आके बैठ गया, अध्यक्ष बनकर बैठ गया, नहीं ये पाठशाला यहाँ नहीं चलेगी, वहाँ नहीं चलेगी, इसमें ये नहीं होगा, उसमें वो नहीं होगा, और पाठशाला बंद। जैसे जैसे हमारे बुजुर्गों ने स्कूल खुलवाए, विद्यालय खुलवाए, महाविद्यालय खुलवाए, और हम आज के कमेटी में आ जाते हैं तो बस उस विद्यालय की सारी व्यवस्था ही बिगाड़ देते हैं, अपनी राजनीति करने लगते हैं, अपना अहंकार पुष्ट करते हैं और विद्यालय की व्यवस्थाओं को चौपट कर देते हैं, यहाँ तक कि विद्यालय ही बंद करवा देते हैं। तो इस प्रकार से विद्यालय बंद करवा देना, विद्यालय में विघ्न पहुँचाना, उसमें किसी प्रकार की क्या बोलते कि किसी टीचर से पैसे लेना और उसमें उसको पैसे लेकर उसको भर्ती करना आदि अनेक प्रकार के कारण हैं, पाठशाला, विद्यालय, ज्ञान अर्जन, स्वाध्याय, इन सब में विघ्न पहुंचाने से ज्ञानावरणी कर्म का क्या होता है, आश्रय हुआ करता है। किसी विषय के विशेषज्ञ होते हुए भी दूसरे ना जान सकें इसलिए अपने ज्ञान को छिपाने से भी क्या होता है, आश्रय होता है। जो सत्य आगम की शुद्ध परंपरा का उल्लंघन करके पढ़ते हैं, जो अपने ज्ञान का अहंकार करते हैं एवं ज्ञानियों से आकारण ही बैर रखते हैं, कोई कारण नहीं है ज्ञानियों से बैर करने का, तुम्हारा उनने क्या लिया है, पढ़ के कोई उनने पाप किया है, कोई गलती की है, कोई स्वाध्याय का संपादन करके कोई उनने गलती की है, नहीं की है, लेकिन फिर भी उससे बैर करते हैं। एक पंडित दूसरे पंडित से बैर करता है, एक नीति आती है, पंडितो पंडितम दृष्ट्वा स्वान वत गुरु रायते,
पंडित पंडित को देख करके श्वान की तरह एक दूसरे को देखते हैं और चिल्लाते हैं और चीखते हैं। जैसे एक श्वान दूसरे श्वान को देख करके गुड़गुड़ाता है, वो इसके एरिया में जाने से उसके एरिया में जाने से वो दोनों क्या करते हैं, भौंकते हैं। ऐसे एक पंडित दूसरे पंडित को देख नहीं सकता, तो मेरे एरिया में चलेगा तो उसकी बुराई, उसके एरिया में चलेगा उसकी बुराई, और एक दूसरे में नोक झोंक और किसी प्रकार से निंदाएं चालू हो जाती हैं। ये क्या है, विद्वान विद्वान को ना देख पाए, अज्ञानी भी विद्वान को ना देख पाए, ये सब क्या है, अपने उनके ज्ञान का उल्लंघन करना है, अहंकार करना है, अकारण ही बैर करना है। उनके निश्चय से ज्ञानावरणी कर्म का बंध होता। भैया सुनो, व्यवहार से नहीं, निश्चय से उनके क्या बोलते, निश्चित ही ज्ञानावरणी कर्म का आश्रय होता ही होता है। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु 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 महाराज श्री। मेरे मन में एक प्रश्न उठ रहा है, मुझे जिज्ञासा हो रही है एक प्रश्न के लिए, तो मुझे आपसे वो प्रश्न पूछना है कि व्यक्ति का ऐसा कौन सा वो है जिससे वो बचपन से सुन नहीं सकता और उसे वो ज्ञान की बातें सुनने को नहीं मिलती, तो उसका क्या कारण है? किन किन कारणों के से व्यक्ति बचपन से ही बहरा होता है, सुन नहीं पाता है? कान तो होते हैं पर कान से जिनवाणी नहीं सुन पाता है, ज्ञानियों के ज्ञान को नहीं सुन पाता है, अपने कल्याण के लिए दो शब्द नहीं सुन पाता है। इसमें कौन कौन से कारण होते हैं? देखो, शास्त्रों में इसका बहुत वर्णन आया है, पार्श्व पुराण में और महावीर पुराण में, इन दोनों पुराणों में बहुत अच्छा वर्णन मिलता है, इसका आप ध्यान से पूर्वक सुनिए। जो व्यक्ति पूर्व भाव में पर की निंदा करते हैं, जो जिनके मुख में सदा निंदा ही निंदा बसी रहती है, गुरु निंदा, प्रभु निंदा, व्यक्ति निंदा, वस्तु निंदा, किसी भी प्रकार की किसी की भी निंदाएं करता रहता है, जो आत्मनिंदा तो नहीं करता है पर की निंदा, दूसरों की निंदा में लगा रहता है, वो व्यक्ति कान से बहरा होता है और उसे फिर ज्ञान की बातें नहीं मिल पाती हैं। विकथा, जो सदा ही विकथा में लगा रहता है, सुकथा नहीं, धर्म कथा नहीं, गुण कथा नहीं, वी कथा में करता है, स्त्री कथा, भोजन कथा, चोर कथा, परिग्रह कथा, इस प्रकार से बहुत सारी, गोमटसार आदि में तो 25 प्रकार की कथाएं बोली हैं, ये सब कुकथाएं हैं और उन कुकथाओं में दिन रात वो मजा लेता है। राजनीति कथा बैठ जाए तो उसमें लगा रहेगा। जो धर्म आपको कर्ण मिले थे, धर्म सुनने के लिए, भगवान की वाणी को सुनने के लिए, और आपने उस समय वाणी को तो नहीं सुना और व्यर्थ की बातें, बकवास की बातें, जिससे हमारा अहित हो ऐसी बातों को सुना हमने, तो स्त्री कथा करने बैठ गए तो स्त्रियों के बारे में राग रंग की बातों में लगे रहे, राजनीतिक कथा में लगे रहे तो नेताओं की निंदाओं में लगे रहे, उनकी बातों में लगे रहे, फालतू बैठे हैं तो खाने पीने की कथाओं में लग गए, चोरों के बारे में बताने चोरों कथा चालू हो गई। इस प्रकार से कितनी प्रकार की कुकथाएँ थी, मिथ्या कथाएँ हैं और उपन्यास की कथाएं हैं, इन सब की जो कथाएं हैं इनके उसको सुनने से और कहने से हमको कान तो मिलता है पर कान से कुछ सुनने को नहीं मिलता है। और यदि पाप कर्म का बन बन जाए तो कान भी ना मिले, एक इंद्री दो इंद्री आदि पर्याय में चले जाओ तो कर्ण इंद्री ही प्राप्ति ना हो, तो इस प्रकार से क्या होगा, बहरेपन आ जाता है। मिथ्या शास्त्र आदि सुनने से, मिथ्या शास्त्रों को पढ़ने से, मिथ्या शास्त्रों को सुनने से, जो मिथ्या शास्त्रों को सुनता है उन्हीं शास्त्रों के बारे में सुन सुन करके अपने दिमाग खराब करता रहता है, उनको उन पर श्रद्धा रखता है, ऐसा व्यक्ति को भी बहरेपन आ जाता है, अर्थात वो शास्त्र फिर जनवाणी को सुनने को मौका उसको मिलता नहीं है। जो असत्य और खोटे वचन बोलते हैं, जब भी देखो तो खोटे वचन बोलेंगे, बुरे वचन ही बोलेंगे, अहितकारी जिनके वचन निकलते हैं, और खोटे वचन के साथ साथ असत्य झूठे वचन बोलते हैं उन व्यक्तियों को भी। जो अज्ञानी जन जगत में कपट आदि की बातें कहते रहते हैं, छल कपट ठगा दगाबाजी बेईमानी, ये जिनके रग रग में भरी हुई है और जो ऐसी बातें करते रहते हैं, उनको भी कान से जनवाणी सुनने को नहीं मिलती है, बहरापन उनके अंदर होता है। जो शास्त्रों से द्वेष रखते हैं आदि अनेक कारणों से शास्त्रों पर दोष उत्पन्न करते हैं, परभव में उन्हें ज्ञानावरणी कर्म के कारण
क्या है, बहरे होते हैं, ज्ञानावरण कर्म से बहरे आते हैं, बहरे होते हैं, अर्थात उनके ज्ञानावरण कर्म का बंद होता है, इस प्रकार से पार्श्व पुराण में लिखा है। अब महावीर पुराण में क्या क्या बातें हैं उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। संसार में ऐसे लोगों का तिरस्कार होता है तथा निंदा होती है जिन लोगों ने मूर्खतावश दूसरों के दोषों को बिना जाने ही स्वीकार कर लेने का अपना स्वभाव बना लिया, उसका स्वभाव बना लिया, उसके बारे में जाना नहीं पर उसका स्वभाव बना लिया। ईर्ष्यावश पर निंदा सुनने का एक कार्यक्रम ही जिसने बना रखा हो। हे शास्त्र, जो शास्त्र की कोटि में नहीं आते हैं, मिथ्या शास्त्र होते हैं, ऐसे कुत्सित शास्त्र की कथाओं को सुनने का अभ्यास सा बना रखा है तथा केवली संघ गुरु धर्मात्माओं पर जो दोष लगा देने का काम ही जिनने ठान रखा है, वे सब लोग ज्ञानावरणी कर्म के उदय होने से के फल से अगले जन्म में बहरे होते हैं, कर्ण होते हुए भी कान से सुन नहीं सकते हैं। इस प्रकार से हमारा कर्म का कैसा उदय देखिए, एक तो जानने की शक्ति प्रकट न हो और उसके बाद जो द्रव्य इंद्रिय है उस द्रव्य इंद्रिय का अभाव भी हो जाए, एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय, इस पर्याय तक क्या नहीं है, हम असंगी, असंगी के साथ साथ फिर उसमें इंद्रिय नहीं, कर्ण इंद्रिय नहीं, और कर्ण इंद्रिय हो भी गई तो बहरापन सुनाई न दे। तो इस प्रकार से इन सबको जिनवाणी सब में ज्ञान भगवान की वाणी सुनाई देती नहीं है, ये सब कारण है बहरे होने का। नमोस्तु आचार्य श्री, मेरे मन में एक जिज्ञासा उत्पन्न हो रही थी। अभी आपने बताया कि ज्ञानावरणी कर्म के प्रभाव से इंसान बहरा हो जाता है, तो क्या ज्ञानावरणी कर्म के प्रभाव से इंसान गूंगा भी होता है? बिल्कुल सही बात है और आगम में आया भी है कि ज्ञानावरणी कर्म का आश्रय करने वाले व्यक्तियों के लिए मुख तो मिलता है पर बोल नहीं पाते हैं, भगवान की स्तुति नहीं कर पाते हैं, जिनवाणी नहीं बोल पाते हैं, हितकारी वचन नहीं कह पाते हैं। क्यों? क्योंकि पिछले भाव में किसी न किसी प्रकार से इन्होंने ऐसे काम किए जिससे ऐसा ज्ञानावरणी कर्म का आश्रय बंद किया। जो व्यक्ति स्वेच्छानुसार आगम विरुद्ध बोलते हैं, अपनी स्वेच्छा के अनुसार जो मन में आया वो बोलना प्रारंभ कर देते हैं, आगम के विरुद्ध बोलते हैं, उनको अगले जन्म में बोलने का मौका ही नहीं मिलता है, अर्थात वो मूक प्राणी बन जाते हैं। देखते नहीं सारे जानवर मूक प्राणी हैं, बोल नहीं पाते हैं, और ऐसे मनुष्य बन गए तो मनुष्य में भी मूक हो गए, गूंगे बन गए, वो बोल नहीं पाता है। इसका कारण ये है कि जिसने अपनी स्वेच्छानुसार जो अदवा तदवा जो मन में आया मन मर्जी के मालिक बन करके आगम धर्म के विरुद्ध बोलता रहा, सच्चे मार्ग के विरुद्ध बोलता रहा, वो व्यक्ति गूंगे बनते हैं। और भी मिथ्या शास्त्र को जो अपने मुख से पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, वाचन करते हैं, वी कथा आदि को मुख से कहते रहते हैं, असत्य भाषण करते हैं, क्रोध आदि पूर्ण भाषण करते हैं, जो भाषण तो कर रहे हैं पर उसमें क्रोध मान माया लोभ ये चार कसाएं प्रपंच फंसी हुई हैं उसके अंदर, और उसके उद्देश्य से वो भाषण करता है, उपदेश देता है, उनको भी मुक्तता मिलती है। मल मूत्र आदि और भोजन आदि करते हुए बोलते हैं, मल मूत्र आदि कर रहे हैं उस समय जो बोल रहे हैं जो उस समय बोलना नहीं चाहिए, भोजन कर रहे हैं तो भोजन करते समय मौन पूर्वक, मल मूत्र छोड़ते समय मौन होना चाहिए और भोजन करते समय भी क्या होना चाहिए, मौन होना चाहिए। जो उस समय भी बोलते हैं वो व्यक्ति गूंगे होते हैं, वो व्यक्ति मूक होते हैं, ऐसे प्राणी। अब देखो भोजन करते समय, अब देखो गाय बैल आदि अब भोजन कर रहा है बोल नहीं पा रहे, अब क्यों, पिछले पर्याय में ऐसा किया तो अब बोलने का मौका ही नहीं मिल पा रहा है। और मनुष्य में भी ऐसे व्यक्ति हो जाते हैं, वे ज्ञानावरणी कर्म के वश से परलोक में गूंगे होते हैं, अर्थात उनके ज्ञानावरण कर्म का सतत आश्रय होता रहता है। और भी बहुत सारे कारण हैं, जो लोग व्यर्थ में ही स्त्री चर्चा आदि करते हैं, दोषहीन अरहंत देव दोषहीन शास्त्र और सच्चे गुरु धर्मात्माओं पर दोष लगाते फिरते रहते हैं, पाप शास्त्रों को पढ़ते पढ़ाते रहते हैं, अपनी इच्छानुकूल यश ख्याति लाभ पूजा नाम चाहने के लिए अपनी प्रतिष्ठा बनाने के लिए यदवा तदवा बोलते रहते हैं, जिनका स्थिर चित्त नहीं होता है,
श्रद्धा विनय से रहित होते हैं ऐसे सभी लोग जो हैं गूंगे आदि हो जाते हैं। धर्म सिद्धांत के परमोत्तम तत्वार्थों को कुतर्कों के द्वारा अपने ऐसे ऐसे कुतर्क लेके आएंगे कि अच्छी बातों को, भैया कुतर्क से होता क्या है, कुछ स्वभाव में कुतर्क हो सकता है, कुछ सच्चा मार्ग में कुतर्क हो सकता है, कुछ सिद्ध परमिष्टि में कुतर्क कर सकता है, लेकिन उसको कुतर्क करना है नग्न होने से क्या होता है। अरे आत्मा तो नग्न है, जब आत्मा नग्न है तो शरीर को नग्न करने की क्या जरूरत है, वस्त्र पहन लो, वस्त्र पहन के हम मुनि कहला सकते हैं, वस्त्र पहनकर भी हम भगवान कहला सकते हैं, क्योंकि वस्त्र से और शरीर से आत्मा में कोई फर्क पड़ता नहीं है। इस प्रकार का कुतर्क देंगे और उसकी दूसरे सामने की बुद्धि को मिथ्या कर देंगे। ऐसे आगम विरुद्ध बोलने वाले व्यक्ति भी क्या होते हैं, गूंगे हो जाते हैं। ये सभी लोग ज्ञानावरणी कर्म का आश्रय करते हैं, बंद करते हैं। महानुभाव, इसी प्रकार गूंगे ही नहीं अंधे भी जो होना है वो भी इसी कारण से होते हैं, जो इन आँखों का दुरुपयोग करते हैं, अश्लील चीज़ों को देखने में उसका उपयोग करते हैं, बुराइयों को देखने में इसका उपयोग करते हैं, जो भगवान को नहीं देखते हैं, जो गुरुओं को नहीं देखते हैं, जो देवशास्त्र गुरु को देख करके प्रफुल्लित नहीं होते हैं, प्रमुदित नहीं होते हैं, प्रसन्न चित्त नहीं होते हैं, जिनके अंदर भगवान को गुरु को देख करके ही जिनके अंदर गिलानी पैदा हो जाती है, शंका पैदा हो जाती है, जो इनको देखते ही निंदा आदि करने लगते हैं, इस प्रकार से आँखों का भी जो दुरुपयोग करते हैं, जो आँखों का भी सदुपयोग नहीं करते हैं, वो भी अंधे हो जाते हैं। अर्थात आँख होती है पर दिखता नहीं है, फिर उनको भगवान नहीं दिखते, फिर अगले जन्म में फिर वो गुरुओं को नहीं देख पाते हैं, फिर वो शास्त्र नहीं पढ़ पाते हैं। क्यों? क्योंकि ऐसा कर्म का उन्होंने आश्रय किया। तो ये भी क्या बोलते हैं कि ज्ञानावरणी के साथ साथ ये दर्शनावरणी कर्म का आश्रय हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ये दर्शनावरणी। लेकिन आपको बता दें, ज्ञानावरणी का बंद हुआ तो दर्शनावरणी का बंद होना ही होना है, और दर्शनावरणी का बंद हुआ तो ज्ञानावरणी का बंद होना ही होना है, दोनों का एक साथ चलता है। वो बात अलग है कि जिस तरफ ज़्यादा अभिमुख परिणाम होंगे उसका ज़्यादा होगा, दूसरे का कम होगा, लेकिन होगा दोनों का साथ साथ ही। इसलिए आप 10वें नंबर सूत्र में देखिए क्या लिखा है, ज्ञान दर्शनावरणयो, जितने भी अभी तक कारण बताए हैं वो सभी कारण ज्ञानावरणी बंध में भी और दर्शनावरणी कर्म बंधने में भी दोनों कारण एक ही होते हैं। इस प्रकार से यहाँ पर अपन ने ये देखा, गूंगे बहरे आदि अनेक प्रकार से किन किन कारणों से यह जीव इस फल को प्राप्त करता है, ये सब कारणों से हमारा ज्ञानावरणी कर्म का आश्रय होता है। बुरी बुरी बातें बहुत हो गई, थोड़ी सी अच्छी सी बातें हो जाएं कि किन किन कारणों से हम विद्वान बनते हैं, ज्ञानी बनते हैं, इसकी भी चर्चा हो जाना चाहिए। देखिए, जो तप आदि धर्म कार्यों में सलाह देते हैं, स्वयं करते हैं, अपने मुख से तपस्वियों की प्रशंसा करते हैं, प्रभु की प्रशंसा करते हैं, शास्त्रों की विनय करते हैं, आदर सत्कार करते हैं, अतत्व और तत्वों का विचार विनय पूर्वक करके सारभूत धर्मादि वस्तुओं को जो ग्रहण करते हैं, संसार के समस्त वस्तुओं का त्याग कर देते हैं, वे सुयोग एवं चतुर पुरुष मति ज्ञानावरण कर्म के क्षयोवंशम से महाविद्वान बनते हैं। महाविद्वान बनने की कला बताई है, ज्ञानियों की प्रशंसा करो, शास्त्रों का अपने दान दो, दान करने से, ज्ञान दान करने से भी हमारा मति कण छौसम बढ़ता है। आप जितना ज्ञान दोगे, शास्त्र दान दो, पढ़ कर के लोगों को ज्ञान दो, इससे भी हम विद्वान बनते हैं। जो स्वयं जिनागम को सदैव पढ़ते हैं और पढ़ाते रहते हैं, दूसरों को इसमें लगाते रहते हैं, जो जिस प्रकार से काल आचा जो उनकी सम्यक ज्ञान के जो दोष हैं उनसे जो रहित होकर के जो पढ़ता है, जो कालाचार का पालन करता है, विनयाचार का पालन करता है, उस व्यक्ति के अंदर प्रकष्ट बुद्धि प्रकट होती है, ज्ञान बढ़ता है। जो सत्य का व्याख्यान करता है, कभी झूठ नहीं बोलता है, धर्म उपदेश सही देता है, शास्त्र की गद्दी में बैठ करके सत्य का भाषण करता है, अपनी शीतलता को अपनी वो है आगम नहीं बनाता है, ऐसा व्यक्ति जो है महाविद्वान बनता है। उनको शुद्ध ज्ञानावरण कर्म का क्षयोपशम तीव्र होता है, जिसके कारण चिंतन मंथन मनन करने की जो शक्ति है उनके अंदर अच्छी प्रकट होती है। तो ये सब विद्वान बनने के कारण हैं। तो आपको क्या बनना है, गूंगे बहरे लहरे आदि या फिर विद्वान, आप स्वयं डिसाइड करें।
इस प्रकार से यह सूत्र आज अपन ने पढ़ा, जाना, समझा। और भी कुछ कारण इसके होंगे तो कल अपन इसको देखेंगे। आज इतना ही। आइए अब स्वाध्याय संपन्न करके जनवाणी स्तुति करते हैं। जावाणी के ज्ञान से सुजे लोकालो, सोवाणी मस्तक धरूं सदा देत हो धो। हे जिन वाणी भारती तोह जपो दिन रे, जो तेरे शरणा धरे सो पावे सुख चैन। सभी को बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। सभी को सादर जय जिनेन। तत्वार सूत के द्वितीय अध्याय की पुस्तक छपकर आ चुकी हैं, जो कि आपको लॉकडाउन के बाद प्राप्त हो जाएंगी। आप अगर तीसरे अध्याय की पुस्तक छपवाना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। जय जिनेन्द्र।